कि ये जो मंकी पॉक्स है ये बेसिकली डिजीज क्या है। ये डिजीज मंकी से स्टार्ट हुई थी, 1958 में इसके इनिशियल केसेस को डायग्नोज हुए थे। और ये मैं कहूंगा ये हुकूमती लेवल के ऊपर ड्रामेबाजी है, क्लियरली ड्रामेबाजी। अगर अब हम भी मंकी पॉक्स का नाम लेके क्वारंटाइन की तरफ जाएंगे तो मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी ड्रामेबाजी होगी। ठीक है, किसी पेशेंट को डिप्रेशन में मुब्तला कर देते हैं तो जो उसके बचने के चांसेस वो भी कम हो जाएंगे। मुझे सर ये बताइए, क्या ये ऐसी बीमारी है कि जो इतनी ही जल्दी आप इधर डायग्नोज हुए उधर ही आप ठीक हो और आप घर चले गए? नहीं, इसमें एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपके जिस्म के ऊपर दाने नमूदार होने शुरू हो जाते हैं और खासतौर पर उन दानों में से पीप और पानी निकलता है तो पानी और पीप के अंदर वायरस मौजूद है। हो गया कि इसको मंकी पॉक्स है तो इसको दूर कर दें, इसको अलग कर दें, इसका कमरा अलग कर दें, इसके बर्तन अलग कर दें, इससे दूरी इख्तियार कर लें कि कहीं ये हमें मुंतकिल ना हो। लेकिन ये बहुत गलत सोच है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं कि कोविड में भी क्वारंटाइन फेल था। इस चीज को आप क्लियरली अंडरस्टैंड करें, वो फेल था और इसीलिए मंकी पॉक्स में क्वारंटाइन नहीं होना चाहिए। तो मंकी पॉक्स के पेशेंट को आप टेररिस्ट ना बनाएं, उसे एक आम मस्जिद आदमी मस्जिद शहरी रहने दें, अपने घर का फर्ज रहने दें, क्योंकि इतने पेशेंट पूरे पाकिस्तान में 20 करोड़ की आबादी में अगर दो पेशेंट्स हैं ये बहुत बड़ा नंबर है। अखबारी नौजरात मंकी पॉक्स के हवाले से जो एक डीप डिस्कशन है वो आप तक पहुंचाने के लिए मैंने डॉक्टर अहमद फारूक साहब का थोड़ा सा वक्त दिया है। आप मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं प्रोफेसर हॉस्पिटल अस्पताल में, हमारी सर दूसरी मुलाकात है, लेकिन ये जो मर्ज है मंकी पॉक्स इसकी एक मुकम्मल तफसील जो है वो आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे आप हमारे साथ। डॉक्टर साहब वक्त देने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो मंकी पॉक्स है ये बेसिकली डिजीज क्या है? मंकी पॉक्स जो डिजीज है, जैसे कि इसे नाम से जाहिर हो रहा है, ये डिजीज मंकी से स्टार्ट हुई थी, 1958 में इसके इनिशियल केसेस डायग्नोज हुए थे, लेकिन मंकी से ह्यूमन में ये डिजीज ट्रांसफर हुई 1970s में फॉर द फर्स्ट टाइम, जब अफ्रीका में 9 years old बॉय में ये केस रिपोर्ट किया गया था। लेकिन उसमें सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो मंकी पॉक्स से सर्वाइव किया, लेकिन बाद में दूसरी इन्फेक्शन की वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई। ठीक है, तो राइट फ्रॉम 1970 अभी 2024 तक कोई 75,000 केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड रिपोर्ट हो चुके हैं और ये तकरीबन 200 से ज़्यादा कंट्रीज में डिफरेंट नेशन में रिपोर्ट ये जा चुका हुआ है। जी बिल्कुल जा चुका हुआ है, पिछले तकरीबन 52 साल में ये टोटल केसेस 74 या 75 हज़ार के करीब रिपोर्ट हो चुके हैं। सही डॉक्टर साहब, ये हो तो गया, अब हमारे लोगों को पता नहीं, सबसे पहले तो जब आपको पता है कि जब कोरोना आया था तो कोरोना की मुख्तलिफ शक्लें वक्त के साथ साथ लोगों के सामने आते गई। पहले लगा जी कि ये कोई फ्लू है, ठीक है, कोई नहीं जी, आप पैनाडोल खाएं और आप घर में रेमेडी करें आप ठीक हो जाएंगे। फिर उसकी जो उसके स्वेयर उसका एक उसका जो डैमेज है वो समझ में आया कि जी अच्छा, जिससे सांस भी रुकना शुरू होता है, अच्छा जी अस्थमा के पेशेंट्स के लिए ये करें वो करें। फिर समझ में आया कि अच्छा जी बुखार भी चढ़ता है। फिर समझ में आया कि अच्छा जी ये तो फैलता है एक से दूसरे को, तो वक्त लगा हमें उसको समझने में, लेकिन शुक्र अल्लाह का ये था कि हमने बहुत जल्द उस पर काबू पा लिया और पाकिस्तान वाज वन ऑफ टॉप 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिन्होंने बहुत जल्दी कोरोना पे काबू पा लिया। ठीक है, अब ये जो डिजीज है, देखिए 2 केसेस पाए हुए हैं अब तक पाकिस्तान में और ये अफ्रीका के जंगलों में और अफ्रीका में ये एक डिजीज पैदा होती है, सामने आती है, वहां से वो सऊदी अरब तक पहुंची है और सऊदी अरब से अब 2 ऐसे केसेस हैं जो पाकिस्तान में जैसे उन्होंने ट्रेवल किया है वो डायग्नोज हुए हैं, उसमें से एक को रिलीफ दे दिया गया है और एक अभी तक स्टिल अंडर कस्टडी है। मुझे सर ये बताइए, क्या ये ऐसी बीमारी है कि जो इतनी ही जल्दी आप इधर डायग्नोज हुए उधर ही आप ठीक हो और आप घर चले गए? अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिजीज की मॉर्टेलिटी कितनी है, हमें कोई भी डिजीज उसकी मॉर्टेलिटी के हिसाब से डील करनी चाहिए। जो मंकी पॉक्स है इसमें फॉर्चुनेटली मॉर्टेलिटी बहुत ही कम है। मॉर्टेलिटी से मुराद ये है कि अगर हमारे पास मंकी पॉक्स के 100 केसेस कन्फर्म होंगे तो उनमें से कितने अफराद लुकमा अजल बनते हैं। 100 केसेस में एक फर्द जो है वो वफात पा सकता है, या मैक्सिमम अगर इसकी सेवेरिटी बहुत ज्यादा होगी तो 100 में से 10 अफराद के हलाक होने के चांसेस हैं, इससे ज्यादा नहीं। सर, अभी तक 900 लोग जो है वो लुकमा अजल बन चुके हैं। लुकमा अजल बन चुके हैं, लेकिन आप ये देखें कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे, तो इसकी ओवरऑल मॉर्टेलिटी जो है ये रेंज कर रही है 1% से लेकर 10% तक। ओके, कोई दूसरे बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिसमें 50% 90% तक भी मॉर्टेलिटी होती है, यानी अगर 100 अफराद है उनमें से 80 या 90 अफराद नहीं बच पाएंगे।
ठीक है। हाँ अलबत्त ये है कि एहतियात जरूरी है। अब जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाई अलर्ट किया है, ओवरपोर्ट पे SOPs उन्होंने जारी किए हैं और हर जगह पे, तो एहतियात लाजमी है। उसमें जितने भी केसेस हैं, अब इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि एक वायरल इलनेस है, पेशेंट को बुखार जी अलामत के हवाले से मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मुझे एक तफसील बताइए ताकि हमारे देखने वालों तक पता चल जाए, क्या पता केसेस हमारे इर्द गिर्द ही फिर रहे हो जी। ये तो वो जो दो है ना जो डायग्नोज हो गए पता चल गया, लेकिन क्या पता कि हमारे इर्द गिर्द लोग फिर रहे हो हमें पता ही ना हो जी। तो सबसे पहले मुझे इसकी जो अलामत है, जो आप अपने एक्सपर्टीज के मुताबिक अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक समझते हैं कि मंकी पॉक्स की जो अलामत है वो आपके जिल्द के ऊपर ऐसे कौन से असरात है जो आपको फील हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आप इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। देखिए इसमें बुखार के साथ साथ पेशेंट की जिल्द के ऊपर सुरन रंग के दाने बनना शुरू हो जाते हैं और उन दानों में से पीप या पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो जब बुखार के साथ आपके जिस्म के ऊपर छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाए तो फिर आपको अलर्ट होना चाहिए कि मोस्ट ऑफली ये वायरल इलनेस है। तो जिस तरह और बहुत सारी वायरल इलनेसेस जिसमें चिकन पॉक्स और दूसरे मीजल्स आपको अफेक्ट कर सकते हैं, छोटे बच्चों को अफेक्ट कर सकते हैं, बड़ों को भी अफेक्ट कर सकते हैं, आमला खातन को अफेक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे खासतौर पर ऐसे लोग जिन्हें हम इम्यूनो सप्रेस बोलते हैं, यानी उनमें कुवत मुदाफ़त की कमी होती है, वो बहुत सारी और बीमारियों का शिकार होते हैं। तो ऐसे अफराद में किसी किस्म की नेगलिजेंस की गुंजाइश नहीं है, उन्हें फौरी तौर पर डॉक्टर के पास लेके जाएं और फिर आगे आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट या आपका रेलिवेंट इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट जो होगा वो फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा। लेकिन इसमें बात फिर वही आ जाती है कि ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। हम जब डायग्नोज करेंगे तो उसके बाद बहुत सारी पेशेंट को सिंपल थेरापी से भी पेशेंट को रिलीफ मिल सकता है, जैसे कि आपने बताया कि पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर दिया गया और थोड़े दिनों में भी बेहतर हो गया। लेकिन इसकी डायग्नोसिस और प्रिवेंशन और अवॉइडेंस, ताकि दूसरे लोग उसके साथ घुले मिले ना और ये डिजीज स्प्रेड ना हो। जी इस वाले से मैं आपसे अभी मजीद तफसील लूंगा, एक ब्रेक ही जाने देता है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मंकी पॉक्स की अलामत, इसकी तशखीस और इसके इलाज के बारे में मजीद बात करते हैं हमारे साथियों।